आइए संगीतांजलि म्यूजिक स्कूल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अजय झा आज आप लोगों के लिए एक ऐसा गाना लाया हूं जो बहुत ही पुराना परंतु बहुत ही लोकप्रिय गाना रहा है ये, और एवरग्रीन गाना है। आज भी महफिल में जब मैं जाता हूं प्रोग्राम करने के लिए तो अभी भी लोग इन गानों को सुनते हैं। उसमें से एक ये भी गाना है, तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम। आइए मैं आपको इसे सी शार्प से बजाना बता रहा हूं, परंतु मेन स्केल इसका जो है वो है डी शार्प सेकेंड ब्लैक, लेकिन मैं इसे आपको बता रहा हूं फर्स्ट ब्लैक से। और इसलिए बता रहा हूं फर्स्ट ब्लैक से ताकि जो लेडीज हैं वो भी बजा सकें, बच्चे भी बजा के गा सकें, उस पर डी शार्प उनके लिए हाई हो जाएगा। परंतु कभी भी कोई भी गाना अगर आपको ऐसा लगे कि जिस स्केल से वो बजा है उसी स्केल से आपको सीखना है तो आप मुझे कमेंट्स में भेज सकते हैं और मैं आपको उस स्केल से बजा करके बता सकता हूं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ये है, और इसमें जो स्वर लगते हैं अधिक सभी स्वर शुद्ध हैं, ग और नी को छोड़कर। ग और नी कोमल है तो आप ये कह सकते हैं कि ये काफी राग में है, परंतु स्वरूप जो है वो काफी की तरह नहीं, क्योंकि ये लाइट म्यूजिक है तो नियमों से हटकर है। आइए ये करते हैं, तू सारे प्यार गगरे का सा सागर रे सानी है सा सा सानी रे। ये नी कोमल है, ठीक है। तू प्यार का सागर है, और दूसरी बार जब तू प्यार का सागर है बजाते हैं तो यहीं से शुरू कर सकते हैं इंस्टीड ऑफ सारे, तू प्यार का सागर है। ठीक है, और दूसरी बार यहां है पर जो हम रुकते हैं वो उसकी मात्रा कम होती है। पहले हम रुकते हैं है, मींस 1 2 3 4 5 6, लेकिन दूसरी बार जब हम रुकते हैं तो इस तरह रुकते हैं, सागर है तेरी, तीन मात्रा है तेरी सारे गा तेरी एक सारे गा मापा बूंद के धा धा पामा प्यासे पापा मागा है हम में मा 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 गा रे रे। ठीक है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम भी दो बार गाया जाता है। तो एक बार जब हम गाते हैं तो केवल तीन मात्रा रुकते हैं और दूसरी बार जब गाते हैं तो छह मात्रा कंप्लीट करते हैं वहां, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम।
तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तो इस तरह से ये लाइन है, और इसके साथ जो दूसरी लाइन है कोरस में वो भी इसी तरह है, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम फिर वही तीन मात्रा यहां हम पे लेते हैं और फिर चले जाएंगे शुरू करते हैं और दूसरी बार में छह मात्रा कंप्लीट करते हैं। हम चले जाएंगे जहां से हम तू प्यार का सागर है, ठीक है। अब इसके अंतरे को करते हैं और फिर हर वीडियो की तरह मैं आपको यही बताऊंगा कि पहले ये दो लाइन जो अभी मैंने बजाया उसे आप अच्छी तरह तैयार करें। तैयार इतना होना चाहिए कि कहीं भी कोई गलती ना रह जाए। और जितना धीरे, असल में मुझे कुछ लोग कमेंट में लिखे थे कि गुरुजी अगर थोड़ा सा और धीरे बताएं, धीरे बजा करके बताएं, तो हम लोग नोट्स लिख भी सकते हैं स्वर को और बजा भी सकते हैं। तो मैं ये अच्छा समझा कि चलो मैं अगर धीरे बजा कर बताता हूँ तो आप उसके नोट्स को लिख भी सकते हैं, तो मुझे लिखने के काम से छुट्टी मिलती है। मैं लिखना नहीं चाहता हूं, मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता है जिसके कारण मैं लिख नहीं पाता हूं, इसीलिए मैं इसे और धीरे बताता हूं आपको। और अब मैं कोशिश करूंगा जो भी भजन या गाना जो कुछ भी बताऊंगा मैं बहुत धीरे बजाकर बताऊंगा ताकि आप एक एक नोट बहुत अच्छी तरह लिख सकते हैं, ठीक है। आइए अब इसके अंतरे को हम लोग देखते हैं। घायल, गौर करिए, घायल मन का धा धा मामा, घायल मन का पर तीन मात्रा, का पागल पागल, पधा थोड़ी तेज बजाते हैं, पागल पंछी, घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, ये देखिए, उड़ने को बेकरार, उड़ने गगमा को, उड़ने को ओ, मापा ही है, उड़ने को बे मापा मानी को बे करा। अब यहां से यहां जो है इसको म्यूजिक में मीड़ कहते हैं, मतलब इसमें सारे नोट लगते हैं लेकिन बजाते नहीं है, ठीक है। फिर से देखिए, घायल मन का पागल
पंछी उड़ने को बेकरार। पा से मा पे आते हैं, फिर धा, फिर रे, कार। उड़ने को, उड़ने, रे रे गा को बे, मा पा मा धा, मा पा मानी को बे करार। ये है पहली पंक्ति, फिर से देखें इसे। घायल मन का, बार बार बजाए, घायल मन का, घायल मन का, पागल पंछी उड़ने को, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। अब दूसरी पंक्ति देखें। पंख है कोमल, ठीक उसी तरह, पंख है कोमल, आंख है पाधा निधा, आंख है धुंधली, जाना है, जाना है सागर पार, सागर, सागर पार। ये मीड़ में यहां से आता है तो उसको उसी तरह लेना है। पंख है सासानी, पंख है कोमल, कोमल, आंख है धुंधली, जाना है सागर पार, सागर पानी धा, सागर पार, जाना है सागर पार। दूसरी लाइन में जो ये जाना है सागर पार है, ये थोड़ा अंतर है पहली लाइन से, उड़ने को बेकरार से। इसको ध्यान से देखें, थोड़ा कठिन भी है। पंख है कोमल, पंख है कोमल, आंख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार, सागर पार। अब तीसरी पंक्ति जो है वो ठीक उसी तरह है लगभग, तू प्यार का सागर है। अब तू ही, अब तू ही इसे समझा, अब तू ही इसे समझा, राह भूले थे कहां से हम, राह भू। अभी देखिए इसको फिर से। अब तू ही इसे समझा, अब तू ही इसे समझा, राह भूले, राह यहां से अगर चलें तो अच्छा है, राह भूले थे कहां से हम, राह, राह भूले थे कहां से
हम तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। ठीक है, तो ये हुआ तू प्यार का सागर है। और इसको अगर आप हर पंक्ति को अच्छी तरह प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से इसे बजा पाएंगे। ठीक है, और कभी भी अगर आपको मुझसे सीखने की इच्छा हो तो सबसे पहले तो मैं, अगर फ्री सीखना है तो YouTube पर मैं आपके लिए बहुत सारे राग सरगम गीत और जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है उसके भी वीडियोस मैं उस पर डाल रखा हूं। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगे कि मैं फेस टू फेस सीखूं तो निश्चित रूप से मैं ये बता दूं कि आपको उसके लिए पे करना होगा फीस। और फीस में कुछ आप ये कह सकते हैं कि कुछ छूट भी है, और ये डिपेंड करता है कि आप सामर्थ्यवान हैं या नहीं। अगर आप संपन्न हैं तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप कंजूसी ना करें। और इवन मैं आपको कहता हूं YouTube का जो वीडियो आप देखते हैं उसे देखने के समय में भी अगर आपको ऐसा लगे कि आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ डोनेशन देना चाहते हैं, तो डोनेशंस का बटन है हमारे चैनल के ऊपर, आप उसे क्लिक करें और आपको जो मन में आए वो आप डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, और डोनेट करने में कंजूसी ना करें। कई एक बार मैं ऐसा अनुभव किया हूं कि जो लोग संपन्न हैं वो भी कुछ देने में दिल चुराते हैं। असल में ये जो हमारी धारणा है, ये जो भावना है कि हमें जब कुछ फ्री में मिल रहा होता है तो हम उस चीज को एप्रिसिएट नहीं कर पाते हैं, हम उसको कुछ देते नहीं हैं, जिसके कारण ही अच्छी चीज हमारे बीच से घटता जा रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको, जब कोई अच्छा टीचर किसी जगह पर है और लोग उसे फीस नहीं देना चाहते हैं क्योंकि और कई एक टीचर वहां जो बहुत ही कम सीखे हैं, बहुत कम क्वालिटी है, और वो उस तरह के शिक्षक वहां होते हैं जो कि बहुत ही कम पैसे में सिखा रहे हैं, तो लोग उनसे जाकर के अपना सीख लेते हैं, लेकिन जो अच्छे क्वालिटी के लोग हैं उनको वो देना नहीं चाहते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि जो अच्छे क्वालिटी के लोग होते हैं वो हमारे समाज से निकल कर उस जगह को चले जाते हैं जहां उनकी पूछ होती है, जहां उनको सम्मान मिलता है, जहां उनको उनके मेहनत के हिसाब से, उनके क्वालिटी के हिसाब से उनको प्यार मिलता है। इसीलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, अगर मेरे चैनल में मेरे वीडियोज से आप सीख पाते हैं और आपको अच्छा लगता है मेरा सिखाना, तो आप उसमें सपोर्ट करने में कंजूसी ना करें। आप निश्चित रूप से दिल खोल कर सपोर्ट करें जो आप कर पाते हैं, और वो एक सिस्टम बना लें कि आप उस पर सपोर्ट करते रहें। उससे क्या होता है, मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूं। मैं इस पर जो वीडियो डाल रहा हूं, और अच्छे अच्छे वीडियोस डाल रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं हर तरह के ट्रेनिंग का वीडियो डालूं, जो आप प्रोफेशनली किसी टीचर के पास जाके सीखते हैं उस तरह के भी वीडियोस मैं आपको दूं, और वो वीडियोस ऐसे लोगों के पास पहुंचे जिन लोगों के पास, टीचर के पास जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, टीचर को वो पैसा पे नहीं कर पाते हैं, बहुत गरीब हैं, किसी तरह अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, मैं चाहता हूं कि वो लोग भी म्यूजिक सीखे, क्योंकि म्यूजिक में एक शांति है, डिसिप्लिन है, उससे हमारे विश्व में
हर लोगों के मन में शांति होगी और हमारे दुनिया में जो इस दुनिया में जो मार काट और ये खून खराबा सब कुछ होता है वो घटेगा। मेरा विश्वास ये है कि अगर हर इंसान म्यूजिक से जुड़ जाए तो दुनिया से ये अशांति जो है ये बहुत हद तक कम हो जाएगा। और तो इसीलिए मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर अच्छा लगे तो निश्चित रूप से सपोर्ट करें, बटन है दबाएं और सपोर्ट करें। और अगर आपको सीखना हो मुझसे तो आप मेरे ईमेल पर ईमेल करें और आप अपना पता, नाम और मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर आप उस पर भेजें, फिर मैं आपको व्हाट्सएप से कांटेक्ट करूंगा और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फीस के बारे में, क्लास डे के बारे में, और फिर मैं आपको सिखाना शुरू कर सकता हूं। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, बहुत से स्टूडेंट्स का की धारणा यह है कि ऑनलाइन पर अगर हम सीखते हैं तो शायद बस ऐसा ही होगा। नहीं, जितने भी लोग ऑनलाइन पर क्लास लेते हैं, मैं उन सब की बात नहीं कर रहा हूं, उनके स्टाइल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा स्टाइल बिल्कुल अलग है। मैं केवल बिजनेस नहीं करता, मैं फेस टू फेस आपके साथ जुड़कर आपको सिखाता हूं। मेरे सभी स्टूडेंट्स, 99.9% स्टूडेंट्स का मानना है कि मेरे क्लास में उनको ऐसा लगता है जैसे मैं उनके घर में आकर के उनको म्यूजिक सिखा रहा हूं। इतना अच्छा, मतलब क्लास जो है सो हम इतनी अच्छी क्लास हो पाती है। तो इसीलिए आप अगर ऑनलाइन भी सीखना चाहें तो किसी भी मन में कोई शंका न रख करके आप सीखना शुरू करें और मुझे थोड़ा सा वक्त दें, 5 से 6 महीना मुझे वक्त दें जिससे मैं आपकी आवाज को तैयार कर सकूं, आपके इंस्ट्रूमेंट को बजाने की तैयारी मैं सही ढंग से कर सकूं। और उसके बाद आप देखेंगे कि आप जो सीखना शुरू किए हैं, आपका जो डायरेक्शन है, जो आप जिस दिशा में जा रहे हैं, वो दिशा बहुत ही मजबूत और बहुत ही सही तरीके का है और आपको बहुत ही संतुष्टि होगी उस तरह से दिशा निर्देश पा करके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही और फिर दूसरे वीडियो को लेकर मैं आपके साथ आऊंगा और फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सपोर्ट के लिए, डोनेशंस के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक्स बटन दबाने के लिए, कमेंट्स डालने के लिए, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक और बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे जो लोग हैं, मेरे जो मतलब व्यूअर्स हैं, वो वीडियोस को शेयर करके बहुत ही अच्छा किए हैं ताकि वो सब लोगों में पहुंचे और सारे लोग सीख सकें, और उसके लिए भी मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। फिर मिलूंगा दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।